हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्विस सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने स्विस फेडरल गवर्नमेंट की इसका कंपैरिजन किया विद ब्रिटिश एंड अमेरिका। एंड आज हम एक सेशन में स्टार्ट करेंगे स्विस फेडरल पार्लियामेंट। इसका मीनिंग क्या है, इसकी क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो स्विट्जरलैंड है एक यूनिक कंट्री है। इसकी जो भी पार्लियामेंट की फीचर्स हैं वो भी सबसे यूनिक है। अगर गवर्नमेंट यूनिक है, कुछ कंट्रीज में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल होती है, सिंगुलर हेड होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है, प्लूरल हेड है। उसी तरह जो इसकी पार्लियामेंट है वो भी सबसे यूनिक है। तो जो स्विस फेडरल पार्लियामेंट है, स्विस पार्लियामेंट क्या है, जिस सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जो स्विट्जरलैंड की लेजिस्लेचर है इसका नाम भी स्विस पार्लियामेंट ही है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, लाइक दिस स्विट्जरलैंड में भी पार्लियामेंट है। इसके भी टू हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। तो ये फेडरल पार्लियामेंट एक हाईएस्ट अथॉरिटी है ऑफ द कॉन्फेडरेशन, क्योंकि स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन स्विट्जरलैंड को कॉन्फेडरेशन कहते हैं, ना कि फेडरेशन कहते हैं। और जो स्विट्जरलैंड है आज के टाइम में एक फेडरल कंट्री है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कॉन्फेडरेशन ही कहते हैं। तो जो स्विट्जरलैंड की फेडरल पार्लियामेंट है, अगर लोगों के राइट्स हैं, कैंटन्स की डिसीजन है, इनके लिए फाइनल डिसीजन लेना है, वो फाइनल डिसीजन किसका होगा, फेडरल पार्लियामेंट का होगा। तो फेडरल पार्लियामेंट क्या है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसमें सबसे ज्यादा यूनिक फीचर्स हैं। किसी हाउस में, कुछ कंट्रीज में लोअर हाउस है वो पावरफुल होता है, कुछ कंट्रीज में अपर हाउस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में दोनों हाउसेस को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो जो स्विट्जरलैंड की फेडरल पार्लियामेंट है, इट इज डिफरेंट एंड यूनिक इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश एंड अमेरिका। जो अमेरिका है, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स इसका प्रिंसिपल है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, इन थ्री ऑर्गन्स को सेपरेट किया गया है। लेकिन इस चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू सेपरेशन ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें बैलेंस मेंटेन किया गया है। जिस तरह अगर लेजिस्लेचर है कोई बिल पास कर देती है, तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू है, इसका राइट नहीं है। वहां पर जो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट है, जो भी लॉ पास कर देती है, उसको आम लोगों के अलावा कोई भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एंड ब्रिटिश में नो अथॉरिटी कैन रिजेक्ट द लॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश है वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, और उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ब्रिटिश है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं इनमें भी लॉ बना सकती है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड सिर्फ फेडरल लिस्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए ही लॉ बना सकती है। एंड जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश में लॉ को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम के थ्रू लोग हैं, वो फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किए जाते हैं उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जो सबसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना देती हैं, डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट बनाती हैं, वैसे ही डिफरेंट पार्लियामेंट भी बनाती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ स्विस फेडरल पार्लियामेंट, तो फर्स्ट वन इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए बहुत सारी प्रोविजंस उसके अकॉर्डिंग ही ली गई हैं। लेकिन जो स्विट्जरलैंड ने कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया, अमेरिका के जो डीमेरिट थे डी को छोड़कर मेरिट्स इसमें इंक्लूड कर लिए। तो इसमें फर्स्ट फीचर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसके टू हाउसेस हैं,
सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो सेनेट है जे अपर हाउस है एंड जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जे लोअर हाउस है स्विट्जरलैंड में। जो सेनेट है सेनेट में भी अमेरिका की तरह जो कैंटन्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो इसमें क्या है, सेनेट में अगर 26 कैंटन्स हैं तो हर एक कैंटन 2-2 मेंबर्स हैं, वो सेनेट में अपने मेंबर्स को भेजते हैं, लेकिन वहां पर टोटल 46 मेंबर्स हैं। वो कैसे बनते हैं, तो जो फुल कैंटन्स हैं उनके 2-2 रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो 6 हाफ कैंटन्स हैं उनका 1-1 रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस तरह सेनेट के 26 मेंबर्स हैं। एंड सेकंड है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जिसका मीनिंग क्या है, पॉपुलेशन के बेस पर ही मेंबर्स की गिनती होती है, वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो जो मेंबर्स हैं डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है इक्वल पावर्स ऑफ बोथ हाउसेस। जो सेनेट है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इन दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें दोनों हाउसेस को इक्वल पावर दी जाए। तो ये फीचर भी ओनली एंड ओनली स्विट्जरलैंड में ही प्रिवेल करती है। तो इसके लिए जो सीएफ स्ट्रॉन्ग है वो क्या कहते हैं, दिस स्विस लेजिस्लेचर लाइक द स्विस एग्जीक्यूटिव इज यूनिक, इट इज द ओनली लेजिस्लेचर इन द वर्ल्ड, द पावर्स ऑफ हूज अपर हाउस आर इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ लोअर हाउसेस। मीनिंग क्या हुआ कि जे पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी ओनली एंड ओनली यूनिक कंट्री है जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस है इनकी पावर्स इक्वल हैं। जब हम सेनेट करेंगे एंड उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेंगे तो इसके पावर्स है वो पावर्स भी हम अलग अलग नहीं करेंगे, तो इसके पावर्स एक साथ करेंगे जिसमें हम फेडरल पार्लियामेंट की पावर्स के टाइटल के अंडर करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सेनेट को और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को अलग अलग पावर्स नहीं दी गई हैं, इनको सेम पावर्स ही दी गई हैं, तभी तो इनकी पावर्स की स्टडी भी एक साथ ही होती है। एंड नंबर 3, एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका प्रिंसिपल वर्क करता है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल वर्क नहीं करता। जो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट है जी सभी के सभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स है, इन पावर्स को यूज करती है। एंड जो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट है, जो कैंटन्स हैं, कैंटन की कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको भी सुपरवाइज करती है। तो इनके पास जो पावर्स हैं, वो अपने आप में ही यूनिक पावर्स हैं, जिस वजह से जे 3 ऑर्गन्स हैं, तीनों का काम फेडरल पार्लियामेंट कर रही है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टीज इन फेडरल पार्लियामेंट। जो फेडरल पार्लियामेंट है, इसमें कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं होती एंड कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं होती, जैसे हमारी कंट्री में है। हमारी कंट्री में जो ज्यादा सीट्स गेट करती है, मेजॉरिटी में आती है, हम उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। एंड उसके बाद जो फर्स्ट रनर अप होती है वो ऑपोजिट पार्टी में आ जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो पार्टीज हैं, इनमें कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं है एंड ना ही कोई ऑपोजिट पार्टी है। और वहां पर क्या है, जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स वहां पार्टी वाइज नहीं बैठते। अगर हमारी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठते हैं उनकी सीट है वो पार्टी वाइज अलॉट होती है, लेकिन वहां पर जो मेंबर्स हैं उनकी सीट भी कैंटन वाइज अलॉट होती है। तो सभी मेंबर्स अपने अपने कैंटन वाइज बैठते हैं, ना कि पार्टी वाइज बैठते हैं। इसीलिए वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। एंड जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस चुने जाते हैं, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पर ही उनको इलेक्ट किया जाता है। तो मेंबर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो किसी भी रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी से नहीं होते, बस उस
मेंबर की क्वालिटीज क्वालिफिकेशन देखी जाती है, ना कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी देखी जाती है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन। जो टू हाउसेस हैं सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो इन दोनों क्या ज्वाइंट सेशन है, इसकी भी प्रोविजन की गई है। तो जे आपस में मिलके इन द ज्वाइंट सेशन वो क्या करते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है इनके मेंबर्स चुनते हैं, इनमें से ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है इनको इलेक्ट करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है इनके जजेस को इलेक्ट करते हैं, फेडरल इंश्योरेंस कोर्ट है इसकी जो जजेस है इनको इलेक्ट करती हैं, एंड फेडरल चांसलर है इसको भी इलेक्ट करते हैं। तो जो मेंबर्स की इलेक्शंस होती है वो दोनों हाउसेस के ज्वाइंट सेशन में होती है। लेकिन अमेरिका में क्या है, जब भी इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है वो इलेक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू एंड सेनेट ओनली अपर हाउस की अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन इसमें दोनों ज्वाइंट वर्ड यूज किया गया है, अपर एंड लोअर हाउस इन दोनों के थ्रू ही की जाती है। जब ज्वाइंट सेशन होता है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर है वो ही इस टाइम चेयरमैन होता है, वो ही ज्वाइंट सेशन को प्रिजाइड करता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। जो फेडरल पार्लियामेंट है इसके मेंबर्स हैं, इनको फ्रीडम दी गई है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं, उनमें अपने जो वर्ड्स हैं वर्ड्स बोल सकते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे कैन स्पीक इन देयर मदर टंग आल्सो। इसके लिए उनको कोई भी कंपल्शन नहीं है कि उनको कोई लैंग्वेज यूज करनी है। एंड जो फेडरल पार्लियामेंट है इसकी रिपोर्ट्स होती हैं, डिसीजंस होती हैं, वो भी नेशनल लैंग्वेजेस में पब्लिश किए जाते हैं, जैसे जर्मन होगी, फ्रेंच होगी, इटालियन होगी, तो इन लैंग्वेज में क्या किया जाता है, इनको पब्लिश किया जाता है। एंड लास्ट वन इज मेंबर्स ऑफ फेडरल पार्लियामेंट आर क्वाइट मैच्योर एंड हाईली क्वालिफाइड। जो फेडरल पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पहले गवर्नमेंट के लिए थे, एग्जेक्टिव मेंबर लिए थे, अब जब पार्लियामेंट के मेंबर चुन रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड एंड मैच्योर पर्सन ही इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हमारे पार्लियामेंट में 50% से भी ज्यादा क्रिमिनल हैं, लेकिन वहां पर क्वालिफाइड मेंबर्स को ही इलेक्ट किया जाता है। तो जितने भी मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट वो पीएचडी डिग्री होल्डर होते हैं, तो हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स को ही पॉलिटिक्स में आने का चांस दिया जाता है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन कर कर रखते हैं, तो वो अपने फील्ड में एक्सपीरियंस पर्सन भी होते हैं। एंड वो जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए क्रिटिसाइज ना कर कर, वो गवर्नमेंट की वर्किंग को स्मूथ बनाने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, तो दे एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल व्हेन दे क्रिटिसाइज। इसका मीनिंग क्या हो गया, मेंबर्स हैं उनको पता है कि मुझको क्रिटिसिज्म कैसे और क्यों करना है, तो वहां पर बहुत ज्यादा मेच्योरिटी है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलती है, वहां पर लोगों के वेलफेयर के लिए ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो वेदिस फेडरल पार्लियामेंट क्या होती है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने आज वो सेशन किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसका अपर हाउस सेनेट ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट। हो सके आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।